कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया है और लॉकडाउन लागू होने के बाद जो गरीब और दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। और देखिए गया शहर में ये जिला स्कूल में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है और ई टी वी भारत सामुदायिक किचन का रियलिटी चेक कर रहा है कि गरीबों को सरकार किस तरह से भोजन दे रही है। पहली शुरुआत यहाँ से की जाती है, यहाँ नाम देखिए नाम लिखा जाता है, उनका सिग्नेचर या जो हाथ का अंगूठा का जो निशान होता है वो लिया जाता है और उसके बाद यहाँ देखिए हम रियलिटी चेक करेंगे, उसके बाद उनको यहाँ से प्लेट उठाना है और देखिए किस तरह से चावल है। दीजिए दीजिए कम थोड़ा सा दीजिए और कम दीजिए। देखिए किस तरह का ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था को देखते हैं कि गरीबों को सरकार किस तरह से खिला रही है, किस तरह से व्यवस्था दे रही है और देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का खाना। देखिए आगे हम रियलिटी चेक में यहाँ का खाना खाकर देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ के जो मजदूर या जो गरीब इस खाने को दिन रात सुबह दो टाइम खा रहे हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे। देखिए चना का दाल है, चना का दाल है, आलू का सब्जी क्या जी का भैया? आलू का है, मूली है, परवल है, बैंगन है, खाली आलू आया है इसमें। स्पेशल निकाल के दे रहे हैं क्या? हाँ है इनके पास है, इसमें मिली मिक्स एक तरह से सब्जी जो कहते हैं हरी सब्जी वो मिक्स सब्जी है और व्यवस्था है और देखिए काफ़ी अच्छी है स्वाद यहाँ की। एक दाल और चावल काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और एक जिस तरह से होटल में खाना मिलता है उससे काफ़ी अच्छा खाना स्वाद लग रहा है और गर्म खाना है। गया शहर स्थित जिला स्कूल में सामुदायिक किचन चल रहा है और सामुदायिक किचन में जो खाना आज बना है उस खाना को हमने चखा है, खाना काफ़ी स्वादिष्ट है और खाना में दाल चावल सब्जी है, सब्जी में हरी सब्जी भी है, आलू भी है और तीन तरह की सब्जी इसमें मिलाया गया है, चने का दाल है और चावल है। अच्छी व्यवस्था है, एक बार और दिखा दीजिए, यहाँ अच्छी व्यवस्था है इस सामुदायिक किचन में और रियलिटी चेक में ये सामुदायिक किचन सही साबित हुआ है। यहाँ व्यवस्था अच्छी है और खाने का उत्तम व्यवस्था यहाँ रखा गया है। देखिए यहाँ लोग हैं, सीधे उन लोगों से हम बात कर लेते हैं। अच्छा किस तरह से खाना मिल रहा है आप लोगों, कैसा खाना लग रहा है? ठीक है बाबू, खाना ठीक है? ठीक है। अच्छा सुबह शाम मिलता है? हाँ, दो टाइम। क्या क्या मिलता है? यही सब सब्जी मिलता है, दाल सब्जी। हाँ वैसे मिलता है। क्या नाम हुआ? हमारा असलम नाम है। असलम, देखिए असलम जी हैं यहाँ भोजन कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से यहाँ व्यवस्था है। और देखिए दो बच्चे हैं यहाँ हैं, इनको दूध मिला है। बाबू हर दिन दूध मिलता है? हाँ। खाना भी मिलता है, कैसा खाना रहता है? अच्छा खाना रहता है। क्या क्या रहता है खाना में? दाल भात और सब्जी। सब्जी और रात में दूध? रात में दूध। क्या नाम हुआ? सौरभ। क्या मिलता है दूध डेली? डेली मिलता है। खाना में क्या क्या मिलता है? दाल भात सब्जी। अच्छा लगता है खाना यहाँ के? हाँ। क्या नाम है? कुंदन। देखिए दो छोटे बच्चे हैं और खाना इनको अच्छा लगता है और दूध मिलता है ये बता रहे हैं और यहाँ व्यवस्था उत्तम है और ईटीवी भारत की रियलिटी चेक में यहाँ का जो सामुदायिक किचन है जीरा स्कूल का वह परफेक्ट साबित हुआ है। 100 में अगर यहाँ का नंबर दिया जाए, जो सरकार ने जिस व्यवस्थाएँ को रखी है उसमें 90 नंबर दिया जा सकता है। गया से ईटीवी भारत के लिए सुहित पांडे।